और मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो गया। ये नहीं है संविधान का अधिकार। संविधान का अधिकार ये है कि चुनाव दल जो बहुमत होगा उस दल के एमएलए की पहली बैठक होगी, उस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो विधायक दल का नेता सदन का नेता होगा और वही मुख्यमंत्री कहलाएगा, और जो अल्पमत का दल है उसकी बैठक होगी उसमें जो नेता चुना जाएगा वो नेता प्रतिपक्ष कहलाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव सारे एमएलए मिलके करते हैं, पार्टी के डायरेक्शन होते हैं कि भी इसको चुन लो। यहां तक तो ठीक है, हर पार्टी करती आई है, लेकिन एक पर्ची आए वो वसुंधरा के हाथ में जो ही पर्ची पकड़ाई और वसुंधरा ने पर्ची खोली तो उसका सिर लगा पीछे जाके और उसने यूं झटका लगा, झटका लग के फिर उसने नाम बोला, नाम बोल के गायब हो गई, कल मंत्रिमंडल के गठन में ही नहीं थी। क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आज कोई आदमी समझे नहीं समझे एक दिन खुद ये कहेगा कि तानाशाही यूं उतरती है। ये तानाशाही है साहब, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से अपना कोई हित नहीं बनने वाला। लेकिन आज अगर हम जनता के बीच में लोकतांत्रिक बात करें तो ये प्रक्रिया सही नहीं है। और कल जो मंत्रिमंडल में सेम प्रक्रिया अपनाई गई, एक पर्ची आई हुई थी दिल्ली से पर्ची, उस पर्ची के अनुसार नाम बोले गए, उस नाम में सीनियर आदमी जो राजस्थान का मंत्रिमंडल में उम्मीद कर रहे थे लोग वो सब हट गए और उन्होंने ऐसे ऐसे नाम बोल दिए जो नाम बिल्कुल नए भी हैं और नौशी किए हैं, जो कैबिनेट चला ही नहीं सकते। कैबिनेट के अहम फैसले राजस्थान जैसे बड़े स्टेट के फैसले लेने वाले लोग नहीं चुने गए कैबिनेट में। मैं सही बता रहा हूं, मैं मंत्री तो नहीं था लेकिन मंत्रिमंडल में जो अच्छे मंत्रिमंडल का होता था और महीने में एक या दो बैठक मंत्रिमंडल की होती थी उससे पूरे राजस्थान को आस होती थी। मंत्रिमंडल की जब बैठक होती तो नौजवानों के डेलीगेशन दो दिन पहले आने लग जाते थे कि एमएलए साहब ये मांग करो सरकार से, परसों कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में फैसला होना है, एमएलए साहब ये मांग करो सरकार से, हमारा फैसला कैबिनेट में हो जाए। अगर नौशी किया कैबिनेट है वो मुख्यमंत्री के सामने बोल ही नहीं पाई और खुद मुख्यमंत्री भी नए, तो मैं समझता हूँ राजस्थान के जनता के सामने संघर्ष एक रास्ता रहेगा। उस रास्ते में संघर्ष में जो लोग मैदान में उतरेंगे या फिर हम जिन लोगों को मैदान में उतारेंगे हम बड़ी मजबूती के साथ उनका नेतृत्व करेंगे। पटवा गांव के लोगों, मैंने आपके गांव में पेयजल से लेकर के